दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक अपने फ्लैश लाइट डाल के थोड़ी रोशनी करके भी कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर से कुछ व्यू दिखाई दे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बहुत सारे चमगादड़ की भी आवाज़ आ रही है। और एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो शाम को 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और लोग कहते हैं कि ये जॉन साहब हैं, उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्ते और सलाम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाल ताजमहल। लाल ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में, और ये कहा जाता है कि ये मोस्ट वॉन्टेड प्लेस है आगरा का, तो उसके बारे में, सभी क्वेश्चनों के बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रेड ताजमहल। दोस्तों, चलिए एंटर करते हैं रेड ताजमहल के अंदर। ये देख सकते हैं आप रेड ताजमहल, जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रहा है, और एक गुंबद इस साइड में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या-क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर साइड ग्रेव ही ग्रेव है, जो कि कैथोलिक सिमेट्री है, देख सकते हैं। और कुछ ग्रेव यहाँ खास दिखाई दे रही हैं, कुछ थोड़ी नॉर्मल दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी कब्रें हैं यहाँ। आज की डेट तक में यहाँ जो डेड बॉडीज आती हैं और यहाँ बरीड की जाती हैं, दफनाई जाती हैं। दोस्तों, एक मैं आपको ग्रेव दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बनी हुई है, जो कि कैप्टन पियर्स हेनरी की है, आप देख सकते हैं। और जो 16 सितंबर 1907 में इनकी डेथ हुई और इन्होंने अलविदा किया दुनिया को। तो ये देखिए, यहाँ पर सिमेट्री में एक चर्च भी है, तो आपको हम चर्च में दिखाते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम शूज़ पहने हुए हैं, तो आप यहीं से देख सकते हैं चर्च का एक व्यू। चलिए दोस्तों, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, आज हम रेड ताजमहल में आए हुए हैं, जो कि एक मकबरा है, जो कि जॉन हैसिंग्स का मकबरा है, जो कि उनकी वाइफ एनी ने बनवाया था। और जो जॉन साहब थे, वो डच ट्रेवलर थे, जो इंडिया में आए अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ से बहुत इंस्पायर हुए और मराठा आर्मी से जुड़े, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स में उन्होंने अपना योगदान दिया। और यहाँ तक कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सच है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भी फाइट की और बहुत अपना अच्छा योगदान दिया। और ख़राब सेहत के चलते 1800 ईस्वी में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद 1803 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली उनकी वाइफ और वो ताजमहल से और मुमताज़ शाहजहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो वो ये चाहते थे कि उनमें से जो भी एक्सपायर हो पहले, जिसकी डेथ हो पहले, तो जो जीवित है वो उसका मकबरा यहाँ बनवाए। तो जो उनकी विश थी, उसके मुताबिक उनकी वाइफ ने उनका मकबरा यहाँ बनवाया, उसी तरह इस मकबरे का और इस टॉम का निर्माण हुआ रेड ताजमहल का। आइए आपको दिखाते हैं रेड ताजमहल की खूबसूरती और उस जो मकबरा बना है वो दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पर नक्काशी की गई है रेड स्टोन में, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और आइए देखते हैं
ये देखिए जॉन साहब का जो ग्रेव है वो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज़ भी यहाँ बहुत गूंज रही है। एक्चुअली ये लोगों को देखने के लिए एक ग्रेव का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, लेकिन असल में जो ओरिजिनल ग्रेव है वो नीचे है। दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी है आगरा की, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ जो ये सुबह 8 से शाम को 5 तक खुलता है, तो 5 बजे के बाद लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ अजीबोगरीब गतिविधियाँ भी यहाँ होते हुए देखी गई हैं, इसलिए इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। देखिए जिस जगह में जैसे कि एक ये वेंटिलेटर टाइप का है जहाँ जो मेन ग्रेव है, और मेन ग्रेव में जहाँ से एक छोटा सा एक वेंटिलेटर टाइप का है, तो वहाँ से भी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। मैं आपको माइक ले आकर सुनाने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही है। बहुत सारे चमगादड़ है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। काफी खड़ी खड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ ऊंचाई पर। दोस्तों जो ओरिजिनल ग्रेव है वो इस रूम के अंदर है, इस जगह के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे चमगादड़ की आवाज यहाँ से सुनाई दे रही है और थोड़ी भूतिया तो लग रही है ये जगह देखने से, तो मैं यहाँ ज़्यादा रहना नहीं चाहता हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मेन रूम है उसके बाहर एक गलियारा है, उसके बाहर जालियाँ टाइप की हैं, तो मैं जाली में से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें एक और अंदर रूम है। दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे इस जगह के बारे में कि ये जगह भूतिया है या नहीं है, या ये हॉन्टेड है या नहीं है। यहाँ आपने किसी तरीके की यहाँ कोई गतिविधि या कोई ऐसी एक्टिविटी देखी हो जो कि बहुत डरावनी हो या फिर भूतिया टाइप की हो, तो उसमें हमें किसी ने भी कोई अच्छे से आंसर नहीं दिया। और हर एक इंसान यही बोल रहा था कि हमें इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं है और हम इस जगह के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि ये जगह भूतिया है या नहीं है, और यहाँ कुछ भूत प्रेत हैं या नहीं है, या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाए। दोस्तों जैसे कि अगर हमने जो यहाँ देखा, जो हमने जो जो पाया, तो कुछ जगहें तो बड़ी डरावनी हैं यहाँ की, जहाँ जो मेन ग्रेव है वो जगह बहुत डरावनी है और हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दी दिन में, तो रात में क्या मंज़र होता होगा तो उसके बारे में तो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हमें नहीं मिले जिससे कि ऐसा साबित हो कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है आगरा का। दोस्तों आज रेड ताजमहल में हम आए और पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी इस जगह को, और हर एक पॉइंट के बारे में और हर एक जगह के बारे में आपको अच्छे से दिखाया और बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाय।